हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति और दीप्ति मिश्रा किचन में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों को मलाई के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। ये घर पर बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि मैं इसमें केवल सिर्फ दो चीजों का ही यूज कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए घर पर मलाई के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मलाई के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है और 200 ग्राम पनीर के साथ 200 ग्राम हमें कंडेंस मिल्क चाहिए। मैं यहाँ पे अमूल के कंडेंस मिल्क का यूज कर रही हूँ जो कि मिठाई मेड के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाता है। और उसके साथ हम फ्लेवर के लिए ग्रीन इलायची का पाउडर यूज करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो इसमें डालिएगा। और कुछ बादाम है जिनके मैंने दो पीस कर लिए हैं और इनका यूज मैं गार्निश के लिए करूंगी। अगर आपको बादाम पसंद है तो आप इनकी गार्निश कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने पनीर को मसल कर रेडी कर लेते हैं, यानी कि इसको स्मूथ बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड लिया है। इसपे हमारा पनीर, अगर हम जल्दी मसलेंगे इसको तो ये जल्दी स्मूथ हो जाएगा। और अगर आपके पास लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप किसी नॉर्मल प्लेट पर भी ऐसा कर सकती हैं। तो इसको हम पहले मसल कर रेडी कर लेते हैं। हमें अपने हाथों के इस भाग का जोर देते हुए हमें अपने पनीर को मसल कर रेडी करना है इस तरीके से। आपको इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से अपनी हथेली के बल से रगड़ना होगा। और ये देखिए, अब एकदम स्मूथ होने चला है। और देखिए, पनीर मेरा एकदम स्मूथ हो गया है। जब आप इसको अपने हाथों से उठाएंगे और इस तरीके से देखेंगे तो ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा पनीर एकदम रेडी हो गया है और मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद हम एक खाली पैन लेंगे और गैस का फ्लेम मैं ऑन कर लेती हूँ। और हमें गैस का फ्लेम मीडियम या स्लो ही रखना है। और फिर मैं अपना पनीर इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद अपना कंडेंस मिल्क भी मैं डाल देती हूँ इसमें। और इनको हमें मिक्स करते रहना है। इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक ये एक डो की शेप ना ले ले, तो तब तक हमें इन दोनों चीजों को अच्छे से पकाना होगा। और इनको धीरे धीरे मिक्स भी करते रहेंगे। और अगर आपको लगे कि आपकी कढ़ाई ज्यादा गर्म हो गई है तो आप गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और इनको मिक्स करते हुए हमें इनको 5 से 10 मिनट के लिए पकाना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं और अब देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। और इसने जो पैन है उसको भी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पर हम इसमें ग्रीन इलायची का पाउडर डाल देते हैं और मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा मिक्सर एकदम रेडी है और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। और हम अपने मिक्सर को तब तक रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाए। तो फिर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड्स, अब हमारा मिक्सर एकदम रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो अब मैं इसके लड्डू बना के रेडी कर लेती हूँ। आपको जितना बड़ा साइज पसंद है उस हिसाब से आप लड्डू बना के रेडी कर सकती हैं। और ऊपर से एक बादाम का पीस लगा देंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू एकदम रेडी है और इसी तरीके से मैं बाकी लड्डू अपने रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा लड्डू भी एकदम रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं। और अगर आपको लड्डू बनाने में परेशानी हो रही हो तो आप अपने हाथों पे थोड़ा सा देसी घी लगा लीजिए, तो उससे लड्डू आसानी से बन जाएंगे। और अभी देखिए ये थोड़े से सॉफ्ट हैं, तो इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे ये जो लड्डू है थोड़े से टाइट हो जाएंगे और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी मलाई के लड्डू की रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी के साथ। ओके, बाय।